हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल वानी कुकिंग एंड डेली व्लॉग्स। तो सुबह हो चुकी है और मैं अपने सुबह के रूटीन में आज तैयार होने आ गई है। तैयार होके किचन में नहा धो के, और यहाँ मैं फिर से दूध भी निकाल लिया है। और ये रोज़ सुबह का काम होता है कि जो रात के धुले बर्तन होते हैं उनको अलमीरा में, मतलब बर्तन के केस पे लगा देना, तो वही मैं कर रही हूँ। और आज सुबह सुबह मौसी जी भी आ गई हैं 9 बजे, या मम्मी भी नहा के आ गई थी पूजा की तैयारी करने के लिए, और मैं भी बर्तन लगा रही हूँ। मौसी जी आज सुबह 9 ही बजे आ गई हैं। मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि वो अपने लड्डू गोपाल छोड़ के गई थी हमारे घर पे, तो वो मुंबई से आ गई हैं शादी से। तो साथ ही मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है, और मैं आज नाश्ते की तैयारी करी। रास्ते में हमारे यहाँ आज सिंपल सी वेज सैंडविच बन रही है। ये नारियल की चटनी है। मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया था नारियल की चटनी की रेसिपी, जो मैंने खस्ता कचौरी बनाई थी उसी के साथ। आपको वो रेसिपी मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, मटर खस्ता कचौरी। और बहुत ही यूनिक रेसिपी, आप लोग भी देख के ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ मैं मौसी जी के साथ बातचीत करने पर लगी, वो भी मुझे बता रही कि क्या हुआ, कैसे, ट्रेन में कैसे, बहुत भीड़ थी तो अकेले हैं, तो अकेले ही सफ़र किए थे, तो बता रहे थे कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अकेले के लिए। काफ़ी ट्रेन भी बहुत फुल थी। तो यहाँ मैं सैंडविच बना रही हूँ। मैंने नारियल की चटनी लगाई है, और एक साइड ब्रेड पे बटर लगाया, और प्याज टमाटर और खीरा लगा दिया। आप जो भी वेजीज चाहें आप भी लगा के खा सकते हैं। जिनको प्याज नहीं पसंद वो प्याज भी अवॉइड कर। क्या खा रही हो वानी? अरे कुछ चीजें अच्छी है, कुछ टमाटर ना सोना होना तो नहीं ठीक लगा। खाओ दीदी, नींद बहुत लागत। टीवी चला ली हो क्या अपने से? अपने से रिमोट चला रही हो? टीवी देखोगी? ना लगा दी ना भैया, ना लगा दी, छोटी छोटी गई है ना। जानती है कि छोटी छोटी गैया लगेगा। हाँ, रिमोट दे दी। अब देखो टीवी की तरफ दौड़ रही है। कंप्यूटर यहाँ आजकल डिजिटल बच्चे पैदा हो रहे हैं। सही बात है। बना कितना खुश यार। गणेश आ रहा है भैया, गणेश क्या आ रहा है बानी? गणेश आ रहा है। आज मौसम तो बहुत ख़राब हो चुका है। अचानक से ठंड फिर बढ़ गई है। इस साल ठंड में फिर से बारिश, बाप रे, मौसम का हाल देखिए। मौसी जी आई है कल बसंत पंचमी नहाने के लिए, और बारिश इतनी तेज़ हो रही है, पता नहीं कैसे होगा, लोग कैसे नहाएंगे। मौसम बहुत ही चेंज हो रहा है इस बार, तो ठंड है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है इस बार। वानी कौन आया है? बोलती है पापा। वानी वानी पापा बोलो। और मैं लेके आ गई हूँ वानी को निन्नी कराने। वानी अभी तक निन्नी नहीं खोली है सुबह से उठ के। आज मौसी की तिजोरी खाली कर देगी। ए क्या निकाल रही हो उनके बैग से?
वानी क्यों निकाली हो? क्यों कर ली हो? दादी पिट्टी कर देंगी। दादी के बैग की खोजबीन चल रही है क्या? ये क्या निकाल ली हो आप? क्या निकाल रही हो? वो नोजी आ गई है आपकी। क्या है? दवाई है क्या? तो वो ये शाम बज रहे हैं, शाम के 8 और फिर खाने का टाइम हो गया। अब मैं चली खाने की तैयारी करने। खाने में आज बन रही है बैंगन की सब्जी, तो मैं चली बैंगन काटने। और यहाँ दूध भी रखा, दूध भी बॉईल करूँगी। और वानी वहाँ तो खेल ही रही है, सब लोग बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं, तो आगे देखते हैं। और अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं और आप लोग आगे भी ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय ब्लॉग्स एंड माय चैनल। थैंक यू।